हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड और कल के लिए लेवल्स क्या है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग। आज हमने देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वहाँ से हमको एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल यहाँ पे बनते हुए देखा। तो जैसे हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद में थोड़ा सा लोअर नीचे जाने की कोशिश हुई, लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला, बाद में ऊपर में हाई टेस्ट हुए, ऊपर में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और एक मिडल में यहाँ पे आके क्लोज हुआ था। अपर लेवल और लोअर लेवल बोथ साइड रिजेक्शन देखने को मिला हमको, एक इंडिसीजन टाइप यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देखें हम लोग तो मार्केट ओपन कहाँ और होल्ड कैसे हुआ। तो ये जो जोन था ये ऑलरेडी सपोर्ट एरिया था। तीन चार दिन पहले भी हम लोग देखे कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने हुआ था, वहाँ से जहाँ पे ओपन हुआ से शार्प हमको बाइंग देखने को मिली। तो वहीं पर आज मार्केट ओपन हुआ, वो बायर प्रीवियसली फिर से एक्टिवेट हुए और उन्होंने होल्ड करने की कोशिश यहाँ पे किए। तो अभी हम लोग देखें तो ये लेवल जो है दो बार टेस्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस हुआ, वापस सेकेंड टाइम यहीं पे आ गया। अभी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया बायर्स ने, वो अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होती तो ये प्रीवियस हाई जो है ये ब्रेक होते हुए हमको नजर आता। पर यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस हाई जो है ये ब्रेक तो नहीं हुआ, बट सेलर ने जहाँ से सेलिंग स्टार्ट की थी वो जोन में आने के बाद में सेलर ने फिर से एक्टिवेट हो गए। तो कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं हमको। और नीचे देखे हम लोग तो बायर भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, नया हाई नहीं बना है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेम लोज यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये थर्ड टाइम अगर यहाँ पे नीचे आता है तो ये लेवल टेस्ट करने, तो ये ब्रेक हो सकता है। ऑलरेडी दो टाइम ये टेस्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभी लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे देखे हम लोग तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखा हमको, एक रेड कैंडल बनी मॉर्निंग में, वहां से एक रिकवरी आई अच्छी खासी और देखा हमने कि फिर पूरे दिन मार्केट एक रेंज में अटका हुआ नजर आया। तो ये रेंज हमको मिल चुकी है कि आज एक नैरो रेंज में ट्रेड हुए हैं इसमें स्टॉक बैंक निफ्टी में। तो अभी ये रेंज प्ले होगी, तो जैसे ये अभी 38,400 ऊपर में निकाल रहा है तो ये ऊपर दौड़ना शुरू करेगा। 38,600 एंड 700 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। कोशिश करेगा कि ये गैप फिल करने के लिए, जो कि गैप यहाँ पे फिल होगा 850 के आसपास पर, उसके पहले भी सप्लाई जोन है 600-700 के पास, तो वहाँ से भी टर्न ले सकता है मार्केट। तो हम लोग टारगेट आ रहे हैं हमारे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम लोग, या फिर टारगेट पेड है सीधा गैप ओपन हो रहा है तो वो सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं, वहाँ से नीचे आ सकता है। डाउन साइड देखें हम लोग तो आज का स्विंग लो जो बना है यही कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 138-160 के नीचे आ रहा है तो हम लोग शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, हमारे टारगेट होंगे 38,000 नीचे में टारगेट होंगे। और फिर उसके बाद में ये और नीचे निकलेगा, यहाँ से हमको 800 तक के आते हुए नजर आएगा नीचे में। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर ये इसके नीचे चलना शुरू होता है तो फिर निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लेवल होल्ड कर रहा है तो फिर ये साइडवेज रेंज में हमको जाते हुए दिखाई दे सकता है। ऊपर में हमने देखा कि ये डाउन स्लोप ट्रेंड लाइन बनी है, नीचे में देखे तो हम लोग एक फ्लैट सपोर्ट एरिया है, तो ये कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्म हो सकता है अगर ये ऊपर में निकलता है तो। फिर से ये ऊपर में जाने के बाद में गैप फिल करने के बाद में ऐसे गिर सकता है मार्केट, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर में, नीचे ही ब्रेक कर रहा है यहाँ से तो फिर ये सीधा नीचे दौड़ना शुरू कर देगा। तो लेवल अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे हम लोग यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखेंगे हम लोग अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर में ब्रेक कर रहा है तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है वही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। सेम डाउन साइड जो अगर ब्रेक कर रहा है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। चलिए निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में भी देखें हम लोग सिमिलरली गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हमको और एंडिंग में ऊपर से थोड़ा लोअर लेवल अपर लेवल रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी वीक ज़्यादा है। हम लोग देखे कि बैंक निफ्टी में भी तीन चार दिन पहले रिकवरी आई थी, आज का जो गैप डाउन ओपन है ये रिकवरी के पास ही यहाँ पे। बट यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी जो है ये इसके नीचे ओपन हुई, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ओपन होके रिकवरी देखने को मिली। तो जहाँ पे ओपनिंग हुई वो एक सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया पे हमने देखा कि निफ्टी ने ओपनिंग दिया और होल्ड हुई लेवल। तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी के कंपेयर में। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एक गैप डाउन ओपनिंग का रिकवरी हुई, ये भी पूरे दिन एक रेंज में अटकता हुआ नजर आया हमको। तो ऊपर के लिए हमारे लिए लेवल मिल गए ऊपर में यहाँ पे, तो ऊपर में जैसे भी अभी ब्रेक कर रहा है 17,375, तो ऊपर में हमारे टारगेट होंगे 450 और 500 के ऊपर में टारगेट होंगे। तो ये
ऊपर में निकल सकता है अगर ये आज का हाई ब्रेक कर रहा है तो। डाउन साइड देखें हम लोग तो ये लेवल्स हमको ऑलरेडी मिल चुका है आज के स्विंग लोज, आज जहाँ से टर्न हुआ था 280 के नीचे अगर निकल रहा है तो हमारा डाउन साइड ये फिर से निकलेगा, ये लोज फिर से टेस्ट होते हुए नजर आएंगे, 200 का फर्स्ट टारगेट होगा और वहाँ से नीचे में ये शार्प गिरना शुरू करेगा, फिर 17,000 के हमारे टारगेट होंगे। तो ये लेवल और टेस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम तो ये होल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगर ये लेवल निकल गया नीचे में तो फिर यहाँ से फिर सपोर्ट सीधा नीचे है तो शार्प गिरना शुरू कर देगा, यहाँ पे हमको शार्प फॉल देखने को मिल सकता है ये जोन के नीचे। चलिए स्टॉक देखते हैं, फर्स्ट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में देखें हम लोग तो नीचे से अच्छा हाई राय बना रहा था, फर्स्ट फॉल देखने को मिला और जो बाउंस आ रहा है वो बाउंस होल्ड कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 दिन कंटिन्यूसली साइडवेज रेंज में एक के अंदर कैंडल देखने को मिली, आज गैप डाउन ओपन होके डे हाई पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए, जैसे अभी आज 4,270 निकाल रहा है ऊपर में तो हम लोग बाय करेंगे, हमारे टारगेट होंगे ऊपर में 4,350 और 4,400 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। निफ्टी देखिए नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस देखिए हम लोग तो यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप बना रहा है, अपर लेवल रिजेक्शन है, आज अच्छा खासा नीचे ओपन हुआ सपोर्ट एरिया पे, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हमको ऊपर में, बट ऊपर से देखा कि फुल्ली सप्लाई देखने को मिल रहा है, अपर लेवल रिजेक्शन देखने को हमको यहाँ पे मिल रहा है। अभी कल देखे तो एक नैरो रेंज बनाई है निफ्टी ने, सॉरी रिलायंस ने, तो रिलायंस हम लोग देखे कि अभी ये रेंज में अटका हुआ है यहाँ पे, तो ये रेंज जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हमको एक ट्रेंडिंग स्टॉक देखने को मिल सकता है। प्रीवियसली हम लोग देखे तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई थी जो कि यहाँ पे हमने देखा कि एक बाउंस आया, वहाँ से शार्प फॉल हुआ, शार्प फॉल के बाद में साइडवेज गया, वापस एक बाउंस देखने को मिला, जहाँ से सेलिंग हुई थी वहीं से फिर से सेलिंग हुई, सेलर एक्टिवेट हुए बट ये सेलर ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाए, यहाँ से फिर से बाउंस हुआ, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट हुआ ये फर्स्ट टाइम, यहाँ से फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए थी ऊपर में। ये जो जोन है यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा था यहाँ से, तो ये यहाँ से कंटिन्यूशन में जाना था बट यहाँ पे क्या हुआ कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे नीचे में आ गया, प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं हुआ है अभी, जैसे प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो हमारे लिए नीचे डाउन साइड के लिए ट्रेड बन जाएगा। तो ये ब्रेकआउट के बाद में एक और रेंज क्रिएट हो गई है तो रेंज का ब्रेकआउट का हम लोग वेट करेंगे। तो अभी हम लोग देखें स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो ये इस तरह कुछ पैटर्न बना है तो हमारे लिए लो इम्पोर्टेंट होगा, 2580 के नीचे निकल रहा है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, नीचे में हमारा टारगेट होगा 2555 का हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट सेकंड टारगेट 2535 और उसके नीचे ये 2500 तक के आ सकता है। तो लेवल्स अगर नीचे में ब्रेक हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ऊपर में देखें हम लोग तो ये जब तक के अभी 2675 के ऊपर नहीं निकलता तब तक बाय नहीं है, 2675 के ऊपर हमारा टारगेट होगा, 2720 और 2770 के ऊपर में टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो टायर। अपोलो टायर देखेंगे क्लियर कट अप ट्रेंड में और वहाँ से हमको एक फर्स्ट फॉल देखने को मिला और लेवल्स होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए बाय होगा, जैसे आज का हाई निकल रहा है 244 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 250, सेकंड टारगेट 260 का हमारा टारगेट होगा। तो जो कैंडल हाई ब्रेक कर रही है आज का वही कैंडल का लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।